पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी महानगर मुरादाबाद की जिला कार्य समिति की बैठक बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें 3 सत्रों में आयोजित जिला कार्य समिति प्रदेश से संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि ने सत्रवार सभा को संबोधित किया। इसके बाद कार्य समिति में उपस्थित भाजपाइयों द्वारा हाथ उठाकर जय श्री राम का जयकारा लगाकर राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया गया। प्रथम और उद्घाटन सत्र में भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लक्ष्य आधारित जो कार्य किया है, उससे देश आज प्रगति और सम्मान के साथ जीवन समृद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर वर्ष 2022 के चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं के लक्ष्य प्रयास से एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है। तो वहीं तृतीय और अंतिम सत्र में क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सब भाजपा में ही संभव है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व वाले केंद्र और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, गरीब कल्याण, 5 लाख तक की आयुष्मान योजना, फ्री राशन, देश के 12 करोड़ किसानों को एक साथ किसान सम्मान का लाभ, जन कल्याण के प्रति सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में आज मूल्य आधारित राजनीति के कारण मानवता तृप्त और राष्ट्र मजबूत हुआ है। जिला कार्य समिति हमारे संगठन में एक क्रम के अंदर होती है, उस क्रम के अनुसार पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, प्रदेश कार्य समिति हुई थी, उसके अंदर प्रस्ताव जो पास हुए थे उसको आज इस जिला कार्य समिति के अंदर सब जिले के पदाधिकारी सदस्य और विशेष कार्यकारी सदस्य आए थे, उस प्रस्ताव को पढ़ करके सुनाया था। और हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के सह संगठन महामंत्री आदरण्य कर्मवीर जी भाई साहब ने आज कार्य समिति का उद्घाटन किया। क्या विशेष रहा आज की कार्य समिति में, आगामी दिनों इसमें विशेष तो यही है कि सब कार्यकर्ता हमारे यहाँ उपस्थित रहे, जिले के सब पदाधिकारी और मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के प्रभारी, साथ में जो हमारे क्षेत्र प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर मौजूद रहे। और सबने आने वाले 2024 में माननीय मोदी जी के लिए का जो चुनाव है उसके बारे में भी, सरकार की जो 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ उसके बारे में विषय यहाँ पर आया। अच्छा, एक सवाल ये है कि कितना अहम मानी जाती है भाजपा के लिए कार्य समिति की बैठक? ये ऐसे अहम मान सकते हैं जैसे एक व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है वही हमारे जिले की कार्य समिति का महत्व, संगठन का महत्व। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।